हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं आपका मेंटोर मनीष मिश्रा एंड गाइस, इन टुडेस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, विच इन शॉर्ट इज अमृत। सो गाइज, इससे पहले हमेशा से स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रही है कि उनको गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी याद करने में प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन मगिंग अप द गवर्नमेंट स्कीम। सो गाइज, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद हम जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के सेशंस करेंगे और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स को याद करेंगे उसमें हम एक तरीका फॉलो करने वाले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ न्यू वे, अ न्यू मेथड ऑफ लर्निंग द गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। ये जो तरीका होगा इसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स को दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक होगा इफेक्टिव लर्निंग, एफर्टलेस लर्निंग, जिसमें कि हमें कुछ फैक्ट्स अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे होते हैं जिसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती। देयर आर सम फैक्ट्स that can be logically learned, alright, and there are some facts also that have to be remembered, that have to be memorized, alright. So हम अपनी government scheme को दो part में बांट लेंगे। एक होगा जिसको हम logically याद कर सकते हैं और एक होगा जिसको हमें memorize करने में effort लगाना पड़ेगा, alright. So इस तरीके से होगा ये कि कम से कम आधी scheme जो होगी हमारी, half of the scheme we can cover logically, alright. And now today I'm gonna tell you कि किस तरीके से आप अपनी scheme को bifurcate कर सकते हैं। और एवरी सैटरडे संडे जो भी हमारे सेशंस होते हैं उसको देखते रहिएगा। इन फ्यूचर भी मैं यही अप्रोच फॉलो करूंगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत स्कीम। सो इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, सो गाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज वेरी वेरी क्लियर बिकॉज देर आर थ्री वर्ड्स इन दिस स्कीम। वन इज रेजुविनेशन, वन इज अर्बन एंड अदर इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो देर आर थ्री वर्ड्स, राइट, and you have to focus on these three words only. In teen words pe aapne focus kar liya, then aapka ye scheme easily clear ho jayega, okay. So rejuvenation ka matlab kya hota hai? Improvement. Urban ka matlab urban areas, and transformation ka matlab we all know transformation. So in teenon shabd ko jab hum collaborate karenge, jab inko milayenge, so what we will get, this mission is to transform urban living conditions, jo hamari urban ki urban areas ki living conditions hai usko transform karne ke liye इस स्कीम को लाया गया, ऑलराइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लिविंग कंडीशंस, तो लिविंग कंडीशंस में क्या क्या चीजें होती हैं? वाटर सप्लाई होता है, सीवरेज होता है, जो हमारे जो कूड़े वगैरह की जो चीजें होती हैं वो होता है, डस्ट वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सभी चीजें लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। जो हमारी लाइटनिंग होती है, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ लिविंग कंडीशंस के अंदर इंक्लूड होता है। So basically now you can easily identify the objective of the scheme. So what will be the objective? To transform urban living conditions, alright. And what are the living conditions? So living conditions are water supply, sewerage, waste management, lightning, transportation and other things, right? So I think कि आपको जो objectives हैं उसके अंदर बिल्कुल भी doubt नहीं है। Now there are two more things जो कि exam में जरूर पूछी जाती हैं। One is ministry and one is the launch year, alright. So if you talk about the ministry, so guys logically can you tell me the ministry of this Amrit scheme? Yes, because there is an urban transformation included in the objective of this scheme. So we can easily identify that the scheme is what? Ministry of Housing and Urban Affairs. So ministry bhi hum logically yaad rakh sakte hain, hame dobara kabhi ab zindagi mein is scheme ki ministry ko yaad karne ka zarurat nahi padega. So ministry is of clear, that is Ministry of Housing and Urban Affairs, and it is headed currently by हरदीप सिंह पुरी, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट लॉन्च ईयर, सो गाइस लॉन्च ईयर के लिए हमें बस एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, दैट इन द ईयर 2020 अमृत स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 years, राइट। 5 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर 2020 में इसके 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2015। सो दिस इज ऑल्सो एफर्टलेस लर्निंग। अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आ गई है दैट this scheme has completed 5 years in the in this year 2020, so it must have been launched in the year 2015, right? So now ye teen cheeze hoti hain guys jo sabse zyada important hoti hain, objective, ministry and launch date. ye teen cheeze aap logically is scheme ki yaad rakh sakte hain, aapko dobara se padhne ki zarurat bilkul bhi nahi hai. and let me tell you one thing more ki aapko kisi bhi scheme ka jo full form hai wo pata hona chahiye, because aapka jo objective hota hai us scheme ka वो उसके फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाता है। फुल फॉर्म से उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, उसकी मिनिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, ऑलराइट। एंड लॉन्च ईयर के लिए मैं आपके सामने हमेशा कोई ना कोई ट्रिक लेके आता रहूंगा। सो तीन चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। दूसरी चीज कि 5 साल हो गए इसको 2020 में,
सो इसका मतलब 2015 में लॉन्च हुई थी। एंड तीसरी चीज दैट इज ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है वो इसके बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को बिकॉज ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, रेजुविनेशन, अर्बन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये जो लॉजिकली लर्न करने वाली चीजें हैं ये क्लियर है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थिंग्स टू रिमेंबर, अब कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो पहली चीज तो ये है दैट दिस स्कीम इज अ न्यू अवतार ऑफ जे एन नूर्ग, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, उसी को रिप्लेस करके इस अमृत स्कीम को लाया गया था। दिस स्कीम वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अमृत स्कीम, ओके। एंड अंडर दिस स्कीम द टारगेट इज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 500 सिटीज एंड टाउन्स, टोटल 500 सिटीज और टाउन्स को ट्रांसफॉर्म करने का टारगेट था। एंड इफ यू टॉक अबाउट द आउटले, सो इनिशियली दिस स्कीम वॉज लॉन्च फॉर 5 years, 2015 to 2020। सो इन 5 सालों के लिए जो इसका आउटले था दैट इज 50,000 crores। नाउ यहाँ पे भी आप एक थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं दैट सिटीज एंड टाउन्स भी 5 है और जो आउटले है वो भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 500 सिटीज एंड 50,000 crore। सो यू कैन इजिली रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ दीज आर द टू अदर मिशन दैट वॉज लॉन्च इन द सेम ईयर फॉर अर्बन इंप्रूवमेंट, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर स्मार्ट सिटीज मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। एंड गाइस ये जो 500 सिटीज और टाउन्स हैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। नंबर वन इज दैट सिटी और दैट एरिया और दैट टाउन दैट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 lakh विद नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज इंक्लूडिंग कंटोनमेंट बोर्ड्स, ऐसा सिटी ऐसा टाउन जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 lakh से ज्यादा है और जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज है नोटिफाइड इंक्लूडिंग कंटोनमेंट एरियाज, राइट। नेक्स्ट इज ऑल द कैपिटल सिटीज और टाउन्स ऑफ ऑल द स्टेट्स और यूटीज, जितने भी स्टेट्स हैं जितने भी यूटीज हैं उन सबके जो कैपिटल सिटीज हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। एंड 13 सिटीज एंड टाउन्स ऑन द स्टेम ऑफ द मेन रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबव 75,000 एंड लेस देन 1 lakh, 75,000 से 1 lakh के बीच में 13 सिटीज और टाउन्स ऐसे इंक्लूड किए जाएंगे दैट आर लोकेटेड ऑन द स्टेम ऑफ द मेन रिवर्स, मेजर रिवर्स, ओके। एंड 10 सिटीज विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम हिल स्टेट्स, आईलैंड्स एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड नॉट मोर देन 1 फ्रॉम ईच स्टेट, एक ऐसा एक स्टेट में से एक सिटी लिया जाएगा जो कि हिल स्टेट हो, आईलैंड हो या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, और इन टोटल ऐसे कितने सिटीज लिए जाएंगे गाइस, 10 सिटीज, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट हृदय स्कीम, तो हृदय स्कीम के अंदर जो भी हेरिटेज सिटीज आती हैं जो भी डिक्लेयर की गई हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट था, सो उन हेरिटेज सिटीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। सो दिस इज द 5 कैटेगरी है जिसमें 5 अलग अलग तरीके के सिटीज और टाउन्स को इंक्लूड किया जाएगा अंडर द अमृत स्कीम, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रीसेंट अपडेट्स, बिकॉज गाइज ये जो स्कीम थी ये 5 सालों के लिए लॉन्च की गई थी 2015 से 2020 तक के लिए, बट एट द अगर हम बात करें 2020 की, सो 2020 तक इस स्कीम के जो टारगेट थे दैट आर नॉट कंप्लीटेड, टारगेट्स आर नॉट कंप्लीटेड ऑफ दिस स्कीम, सो दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2022, इसको 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है बिकॉज 2020 तक इसके टारगेट को कंप्लीट नहीं किया जा सका, ऑलराइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2021, सो जो ये अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इस स्कीम का जो बजट आउटले है दैट इज ₹7,300 crore। नाउ आपके सामने 2 आउटले हैं, एक तो है जो कि 5 साल के लिए इनिशियली दिया गया था दैट वॉज 50,000 crore एंड 1 इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 दैट इज 7,300 crore, राइट। सो गाइज आई होप आपको अमृत स्कीम क्लियर है एंड आपको ये भी क्लियर है कि आपको किस तरीके से अपनी स्कीम्स को लर्न करना है, किस तरीके से स्कीम्स को याद रखना है। 2 तरीके हैं आपको अपने स्कीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो वो जो कि लॉजिकल है और दूसरा वो जो आपको याद रखने की जरूरत है। इस तरीके से जो याद रखने वाली चीजें थी उसको आप कम कर सकते हैं, राइट। नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्कीम जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज A scheme Amrut was launched in the year 2015 to replace Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission. What does R stand for in Amrut? So, ये full form का question है guys. So, full form आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, as I already told you कि full form से आपके objectives और आपके ministry दोनों clear हो जाते हैं in almost all the schemes, right? So, in Amrut R stands for rejuvenation, alright? R stands for rejuvenation. अभी हमने देखा था. Now next question is how many cities and towns are targeted to be rejuvenated in the scheme Amrut? कितने cities और कितने towns को rejuvenate किया जाएगा under this scheme Amrut scheme, right? So अभी हमने guys discuss किया था that outlay इसका कितना है 50,000 crore का, alright? और जो इसके अंदर total cities और towns है जिनको target किया गया है that are
500 सिटीज और टाउन्स को टारगेट किया गया है टू बी रेजुविनेटेड इन द स्कीम अमृत. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज रिसेंटली द मिशन अमृत हैज बीन एक्सटेंडेड ऑन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीशन ऑफ द टारगेट्स टू विच ईयर इट हैज बीन एक्सटेंडेड. अभी अभी रिसेंटली जो अमृत है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बिकॉज उसके जो टारगेट्स है वो इनकम्प्लीट रह गए थे. तो किस ईयर तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, दिस इज आवर क्वेश्चन. सो गाइज वी हैव डिस्कस दिस दैट दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2022 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरीज ऑफ टाउन्स और सिटीज अंडर द स्कीम अमृत आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जो कैटेगरीज है टाउन्स की और सिटीज की इन द स्कीम अमृत उसके रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. सो स्टेटमेंट ए इज ऑप्शन ए इज कैपिटल सिटीज और टाउन्स ऑफ स्टेट्स और यूटीज. यस इट इज देयर. 13 सिटीज एंड टाउन्स ऑन द स्टेम ऑफ द मेन रिवर्स विद द पॉपुलेशन अबव 75,000 एंड लेस देन 1 लाख. यस दिस इज ऑल्सो देयर. 10 सिटीज फ्रॉम हिल स्टेट्स आइलैंड एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉट मोर देन 1 फ्रॉम ईस्ट स्टेट. यस दिस इज ऑल्सो देयर. Heritage cities declared by MOUD under the Heritage scheme. Yes, this is also there. And with a population of over 1 lakh with notified municipalities. Yes, this is also there. So I think यहाँ पे एक और option होना चाहिए था. None of the above because इसके अंदर सारे के सारे जो categories हैं वो included है. So therefore the correct answer should be what? Option F, none of the above. Right? I think इसमें option की guys कुछ problem हो गई थी. So let us include one more option in this. F, none of the above. So, ये सारे के सारी जो कैटेगरीज है दैट आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द बजट आउटले फॉर दिस स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021. सो आई रिसेंटली टोल्ड यू दैट 50,000 crore रुपए का जो बजट आउटले था दैट वाज फॉर द ईयर फॉर 5 years 2015 to 2020 बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इट इज 7,300 crores. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट ऑप्शन बी 7,300 crores. राइट. ओके गाइज सो दैट्स इट फॉर द सेशन. आई होप आपको ये नया तरीका जो है नया मेथड है ऑफ लर्निंग द गवर्नमेंट स्कीम ये अच्छा लगा. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं. एंड फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम में विद द सेम मेथड एंड द सेम पैटर्न. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.